सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मान लेंगे, 5 शेड्यूल कास्ट के जजों की बेंच बना दिया, इन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते, बन जाएगी क्या? दो जवाब, बन जाएगी क्या? तो इनका जज नहीं हुआ कोई? मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों के बना दो जिनको निकालना चाहते हो, उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बैच बना सकते हो क्या? 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वहाँ, मैं तो चाहता हूँ 5%, 2% नहीं 10% दीजिए, लेकिन जब आप 10%, सरकार की नीयत को देखना पड़ेगा, जब आप 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके 3 दिन के अंदर और अपर कास्ट के लोगों को दे सकते हो, तो फिर आप जो है शेड्यूल कास्ट की उन जातियों क्यों नहीं दे सकते? अब आरक्षण की सीमा बढ़ा देनी चाहिए जातिगत, देखो उन्होंने क्या क्या है, ऐसा उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल में किया, उसको कानून बना दिया, लेकिन वो लागू कब होगा? जब पहले जातिगत जनगणना होगी, तो उन्होंने कह दिया वो 2031 में होगी, 2032 के बाद लागू, ऐसे उन्होंने इसमें क्या कर दिया, स्टेट को, पहले तो स्टेट को पावर हो नहीं सकती है, ये पावर जो है सेंटर को, मैं तो सरकार कह रहा हूँ, सरकार के संसद में वो उसके लिए विधेयक लिया है, और मैं फिर कह रहा हूँ भाई कब तक जो है 15% पूरा नहीं हुआ, तो आपको चाहिए कि आप जो है, मैं तो कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको 10% आरक्षण दीजिए, आरक्षण की सीमा बढ़ा दे, 85% इशू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जब 10% आर्थिक आधार पर आप दे रहे हैं तो 90% इनका बढ़ा दीजिए, SST OBC के लोगों को दे दीजिए, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप तो उनको गुमराह करके टकराव चाहते हैं, हम टकराव होने नहीं देंगे, अगर हमने यहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए हम टकराव करवा दे, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? क्रिमिनल, इसलिए हम उनको भी समझाएंगे, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं क्रिमिनल की वो लगा दी जा रही है। आप आंकड़े जुटा के बता दो क्या 15% शेड्यूल कास्ट लोगों पूरा हुआ है, और अगर इतनी काबिलियत पैदा होगी तो NFS कैसे हो रहा है? मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने जितने दिन सदन चलाया, हर दिन सफाई कर्मचारी लेके हर वर्ग का मुद्दा उठाने काम किया है, और कल भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में कि 1500 घर जो है वहाँ उसमें मुंबई में वाल्मीकि समाज के तोड़ दिए सरकार के लोगों ने, लेकिन सब वो तमाम तरह जो अधिकार छीने जा रहे वो नहीं दिखता है। जब अच्छा मुझे बताओ, जब सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकार नौकरी नहीं, तो आरक्षण के झुंझुनू में करवा क्या? जब NFS होता हो तो बचाते नहीं हो, तमाम तरह की जो चीज़ें हमले होते हैं संविधान पर वो तो करते नहीं हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ हम खुले दिल से अपने भाइयों के लिए अधिकार मांगते हैं, और मैं कह रहा हूँ आरक्षण की सीमा बढ़ा के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे आपने आर्थिक आधार पर स्वर्णों को दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए चंद्रशेखर ये बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसी, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मान लेंगे, 5 शेड्यूल कास्ट के जजों की बेंच बना दिया, इन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते, बन जाएगी क्या? दो जवाब, बन जाएगी क्या? तो इनका जज नहीं हुआ कोई? मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों के बना दो जिनको निकालना चाहते हो, उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बैच बना सकते हो क्या? 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वहाँ एक वर्ग के हक को कर रखा है, और मुझे चिंता तो उन भाइयों की, स्वर्ण जातियों के, जिनको नहीं मिल रहा है, EWS में भी जिनको अवसर नहीं मिल रहा है, आपने सीमा रखी 8 लाख रुपये, तो 2-3-4 लाख रुपये जो गरीब स्वर्ण जाति के लोग कमाते हैं साल के, उनके परिवारों को अवसर मिल रहा है, 8 लाख में तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार की नीयत क्या है? मैं आपको कहता हूँ, सैयद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर फांसी की सजा देने वाले जज के फैसले से उसका मोटिव, उसकी नीयत हटा दी जाए, तो उस जज में और हत्यारे में कोई फर्क नहीं है। तो इसका, इसकी नीयत को देखना पड़ेगा। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के आरक्षण के पक्ष में था? और था तो आप तक इतना बैकलॉग हुआ, कार्ड टूटी, आपने क्यों नहीं इसको ठीक करा? तो सच ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हमने कहा था, कल भी कहा हमने, मैंने विपक्ष को भी, सरकार को, और हमने कहा कि अगर आग से खेलने काम करोगे तो हाथ जलेंगे सरकार के। सांसद जी बिल्कुल, किसकी वजह से रही, किसकी वजह से रही, किसकी वजह से रही बताओ, एक सेकंड सुनिए, किसकी वजह से रही? क्या आपने अच्छा स्कूल खोलने का काम गरीबों के बस्ती में किया? क्या आपने उनके जो है रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था की? उनको अवसर कहाँ से मिलेगा? अब तो बहुत सारे, अच्छा जिन जातियों में अब तक एजुकेशन लेवल उस तरह का बड़ा नहीं, उनको उनको मिलेगा अभी तो बेचारों को, तो NFS तो करना है आपको, अपने लोगों को तो भरना है। हम समझते हैं सरकार की मंशा को, अगर NFS हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड उठा के देखो, NFS हो रहा है, SPGI उसमें, क्या नाम, SGPI में, SGPG में, लखनऊ में, तो क्या इन जाति, ये कहाँ गया? अगर इतनी काबिलियत, इतना क्रिमिनल पैदा हो गया तो कहाँ नहीं हो पा रहा है? IIM के हाल देखो, टॉप यूनिवर्सिटियों के दिए थे मैंने 7 यूनिवर्सिटियों के आंकड़े, देखो क्या हाल है, एक OBC और एक SC,
कौन खा रहा है सबको पता है, लेकिन गणना तो होने दीजिए। समाज से क्या अपील है? कल 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, और लोगों की ये अपेक्षा है, वैसे तो आप कर ही रहे खुद ही के अंदर आवाज उठा रहे हमारी, हम चाहेंगे आपके साथ के दूसरे सांसद। गलत गलत बात आप बताओ, उठाई नहीं उठाई उसकी मांग बताओ मैंने, और मैं नहीं जोड़ता हाथ मनोज भाई, आप जानते हो और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि वो मूर्ति वहीं वापस लगा दो, बताओ उठाई या नहीं उठाई? हम तो कह रहे आप उठा रहे, और तब उठाई जब कोई वहाँ इतने एमपी गए, जब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और मैं फिर कर नहीं, धन्यवाद नहीं कर रहा मैं यार, मेरी ड्यूटी है ये, आप बाकी साधुवाद के बात रहे, मैं मेरी ड्यूटी है, आप बताओ मैं विषय पे तो बात कर रहा हूँ ना, कोई पॉलिटिक्स उसके अलावा नहीं कर रहा, सिर्फ विषय की, और मेरे जैसे 20 लोग हो गए ना पार्लियामेंट में, आप विश्वास करो इनके अधिकारों को छूने से पहले सोचना पड़ेगा। बाकी सांसदों की चुप्पी क्यों? 25 में आगे बढ़ो।